ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक पिक अपाइल रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि जब वह आपकी तस्वीर देखते हैं तो उनके मन में क्या विचार आता है। यानी जब वो आपकी फ़ोटो देखते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पर देखते हों या कहीं और देखते हों, तो उनके मन में क्या ख्याल आते हैं। ओके गाइज, यहाँ हमारे पास दो पाइल रहेंगी। इसमें से आप अपने जन्मदिन का महीना, यानी कि आपके जन्म का जो महीना है, जो मंथ है, आप उसको सिलेक्ट करेंगे और हम आपकी रीडिंग करेंगे। ओके व्यूवर्स, साथ ही मैं आपको ये इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि ये रीडिंग कम्प्लीटली टाइमलेस है। आप जब भी इस रीडिंग तक पहुँचेंगे, ये रीडिंग तब आपसे रेजोनेट करेगी। ओके व्यूवर्स, ये कितने भी समय बाद आपसे आपके पास पहुँचे, ये आपसे रेजोनेट ज़रूर कर सकती है। ये सभी साइंस के लिए है और हर सिचुएशन के लिए है। चाहे आप सिंगल हो, कमिटेड हो, नो कांटेक्ट में हो, मैरिड हो, डाइवोर्स्ड हो, ये हर सिचुएशन पर मैच कर सकती है। किसी भी परिस्थिति को लेके प्रतिबंधित नहीं है। ओके व्यूवर्स, और मैं ये कहना चाहूँगी कि रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आप लोगों से कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, देन आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि मैं डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग प्रोवाइड करती हूँ। इंट्यूटिव मैसेजेस चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि आप कोई भी मैसेज या कोई भी चैनल सॉन्ग मिस कर पाएँ, इसीलिए आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओके, और सारी रीडिंग देखते रहिएगा, क्योंकि रीडिंग्स के दौरान मैं प्रोवाइड करती हूँ इंट्यूटिव मैसेजेस चैनल सॉन्ग्स, जो भी होते हैं। ओके व्यूअर्स, तो यहाँ हमारे पास दो पाइल्स हैं, जिसमें पाइल वन है उसमें जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जून तक के महीना दिया हुआ है। अब इसमें आपका बर्थ मंथ कौन सा है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, और अगली जो पाइल है उसमें जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये मंथ्स दिए हुए हैं, आप इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो अगर आप पाइल वन आपने चयन किया है पाइल वन का, तो हम पाइल वन यहाँ रखते हैं पहले तो। ओके, और फिर हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि आपके पर्सन जब भी आपकी तस्वीर देखते हैं वह क्या सोचते हैं। ओके व्यूवर्स, व्हाट दे थिंक। चलिए शफलिंग स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने फर्स्ट फाइल चूज करी है उनके लिए, आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यूअर्स। काफी लोगों ने मेरी एज गेस करने की कोशिश की थी, काफी लोगों ने बोला मैं 30 की हूँ, 40 की हूँ, 29 की हूँ, लेकिन मेरी उम्र इतनी नहीं है व्यूअर्स, मेरी उम्र 25 से भी कम है। मैं ये टैरो रीडिंग में, हीलिंग वर्क में, स्पिरिचुअल वर्क में 2 साल से हूँ और मेरी उम्र 25 से भी कम है। ओके, तो जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि हम एक और चैनल बनाएंगे कुछ समय बाद, अभी तो नहीं, उसमें मैं आपको दिखूंगी, आपको अपने बारे में बताऊंगी, कई चीज़ें शेयर करूंगी आपसे, कई एडवाइस, गाइडेंस एंड टिप्स भी दूंगी आपको, तो वो हम अगले चैनल पर करेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। माफ़ी चाहती हूँ आपका समय व्यर्थ करने के लिए, कि आपके पर्सन जब आपकी तस्वीर देखते हैं तो क्या सोचते हैं। ओके, द हर्मिट फर्स्ट कार्ड आया है व्यूअर्स, द हर्मिट का, ये यहां रख देती हूं। फर्स्ट कार्ड जो आया है वो है हर्मिट का। ओके वेट, सेकेंड कार्ड जो आया है वो है द हाई प्रीस्टेस का सेकेंड कार्ड। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहां पर मुझे लग रहा है कि आप लोग जो रीडिंग देख रहे हैं, आप भी काफी इंट्यूटिव हैं, स्पिरिचुअल हैं, आप भी एक स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपको भी इंट्यूटिव मैसेज मिलते रहते हैं। चलिए व्यूअर्स, क्लेरिफाई कर लेते हैं इन कार्ड्स को, हर्मिट को क्लेरिफाई करते हैं पहले। ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स, अब हाई प्रिस्टेस को क्लेरिफाई करते हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स क्लेरिफाई करते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को। टेन ऑफ सोर्ड्स, Energy of deck is the moon. See?
व्यूअर्स, यहाँ पर हमें देखना है कि आपके पर्सन जब आपकी तस्वीर देखते हैं तो क्या सोचते हैं। पहली बात तो गाइस, ओवरऑल एनर्जी जो यहाँ पर निकल कर आई है वो है काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं वो आपकी तस्वीर देख के, और उन्हें आपकी याद आने लगती है, वो आपको मिस करने लगते हैं जब भी आपकी तस्वीर देखते हैं। आपकी यादें उन्हें घेर लेती हैं, वो कंट्रोल नहीं कर पाते और आपको बहुत मिस करने लगते हैं। यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी मुझे लग रही है व्यूअर्स, जैसे वो रोते भी हों आपकी तस्वीर देखकर। उन्होंने वो कई बार रातों में रोए हैं, क्योंकि मुझे नाइट में रोने की ऐसी एनर्जी लग रही है यहाँ पर कि वो रातों में रोए भी हैं आपके लिए। यहाँ व्यूअर्स मुझे ऐसा लग रहा है कि जब भी वो आपकी तस्वीर देखते हैं, पहली बात तो व्यूअर्स यहाँ पर ये बात है कि वो काफी ज्यादा रिग्रेट करते हैं, यहाँ पछतावा बहुत है। यहाँ पर ऐसी एनर्जी है जिससे पता लगता है कि आपके पर्सन पछता बहुत रहे हैं। उन्हें अब इस बात का रियलाइजेशन हो रहा है कि उन्होंने कितनी कीमती कितनी वैल्यूएबल इंसान को अपनी लाइफ से खो दिया। उन्हें इस बात का प्रॉपर रियलाइजेशन हो रहा है, और जब वो आपकी तस्वीर देखते हैं वो बार बार जिसे की तस्वीर पकड़ कर बैठे हैं, ये समझ लीजिए आप ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स तस्वीर पकड़ कर बैठे हैं और मुंह कैसे लटका रखा है, कैसे निराशा है चेहरे पे। क्यों? क्योंकि ये रिग्रेट है, क्योंकि ये रियलाइजेशन है कि इनसे क्या गलती हो गई है। ओके, तो जब भी आपकी तस्वीर देखते हैं रिग्रेट फील करते हैं, और 10 of Swords जितना पेन फील होता है उनको। ठीक है गाइस, ये 10 of Swords की एनर्जी है, ये बता रही है कि उन्हें कितना फील होता है दर्द जब वो आपकी तस्वीर देखते हैं, उन्हें कितनी आपकी याद आती है, कितना ब्रोकन फील करते हैं, कितना टूटा हुआ, कितना कितना कमज़ोर महसूस करते हैं वो। उनको काफ़ी तकलीफ होती है जब वो आपकी तस्वीर देखते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने ही किए पर पछतावा है, उन्हें अपनी ही गलतियों का पता है कि उनकी गलतियों की वजह से ही ये आज वो दुख को भुगत रहे हैं। यहाँ पर जैसे हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है और पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, ऐसा लग रहा है व्यूअर्स मुझे यहाँ पर कि आप लोग काफ़ी इंट्यूटिव हैं, आपको भी काफ़ी चैनल्ड मैसेज मिलते हैं, इंट्यूटिवली आपको गाइडेंस मिलती है, डिवाइन गाइडेंस मिलती है जिसके थ्रू आप ऑपरेट करते हैं, जिसके थ्रू आप वर्क करते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपको आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपकी सोशल मीडिया पर आपकी पिक्चर्स जो है उनको स्टॉक कर रहे हैं, और जब भी वो आपको देखते हैं ना व्यूअर्स आपकी पिक्चर्स को, उनके मन में ये आता है कि आप इमोशनली कितने स्ट्रांग हो चुके हो। उनके मन में ये बात बहुत सरप्राइजिंगली आती है, ऐसा नहीं है कि वो बहुत नॉर्मली समझ लेते हैं कि आप कितने स्ट्रांग हो गए हो इमोशनली, बल्कि वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड और सरप्राइज हो जाते हैं कि आप इमोशनली कितने बैलेंस हो चुके हो। बैलेंस की एनर्जी मुझे यहाँ भी दिख रही है, आप बहुत बैलेंस हो चुके हो, अपने इमोशनल और प्रैक्टिकल बैलेंस कर चुके हो लाइफ को, कि लाइफ में इमोशनल कितना होना चाहिए, प्रैक्टिकल कितना होना चाहिए, इस बात को आप बैलेंस कर चुके हो। तो आपके पर्सन जब भी आपको देख रहे हैं, आपकी तस्वीर देख रहे हैं, उनके मन में तो यही विचार आ रहा है कि आप पहले की तरह रोने धोने वाले, वल्नरेबल और वीक नहीं रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये जो हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, ऐसा बता रहा है व्यूअर्स कि आपके पर्सन को आपको देखकर, आपकी तस्वीर देखकर ऐसा लगता है कि आप कितना चेंज हो गए हैं। आप जितने इमोशनली पहले वीक थे, जितने इमोशनली वल्नरेबल थे पहले, अब आप ऐसे नहीं हैं। देखिए व्यूअर्स, ये जो मून है ये इमोशंस का सिंबल है, क्योंकि मैंने यहाँ पर जब आपको मून दिखाया तो मैंने आपसे कहा कि वो बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं, बहुत ही याद आ रही है उन्हें आपकी, काफ़ी दुखी हैं वो। लेकिन ये मून का साइन ये भी बता रहा है, ये मून का कार्ड ये भी बता रहा है कि वो जितने भी दुखी हैं, जितने भी तकलीफ में हैं, ये बात वो किसी को शेयर नहीं कर रहे। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ आपको नहीं बता रहे हैं, वो ये बात किसी को भी नहीं बता रहे हैं, अपने बेस्ट फ्रेंड्स को, अपने डियर एंड नियर वंस को, किसी को बता नहीं रहे हैं कि वो इतने दर्द से गुजर रहे हैं। 10 of Swords जितना जो पेन है उन्हें हो रहा है वो बता नहीं रहे हैं किसी को भी, और बहुत ही सीक्रेटिव एनर्जी है, जो भी उनके दिल में चल रहा है उन्होंने अंदर अंदर दबा के रखा है। ओके, तो जब मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि जब भी वो आपको देखते हैं उन्हें हाई प्रिस्टेस दिखाई देती है, जैसे कि ये आप ही की तस्वीर हो, ये जो हाई प्रिस्टेस है ये आप ही की तस्वीर हो व्यूअर्स। इसमें ये मत सोचिएगा कि ये फीमेल की पिक्चर है या मेल की पिक्चर है, मैं एनर्जी वाइज कह रही हूँ कि जैसे आपकी पिक्चर हो और वो आपको देखते हैं तो उनके मन में यह विचार आता है कि मून इनके पैरों में पड़ा हुआ है। मून का पैरों में पड़े होने का मतलब ये है, यहाँ तो मून पैरों में नहीं है, यहाँ तो आसमान में है मून,
यहाँ तो पैरों में नहीं है, क्योंकि ये पर्सन इमोशनल बहुत हो चुके हैं आपकी तस्वीरों को देख के, आपको याद करके। लेकिन आप पैरों में रखे हुए हैं मून को, इसका मतलब ये है कि आपने इमोशनल एनर्जी को कर लिया है कंट्रोल। ये बहुत बड़ी बात होती है व्यूअर्स, इसको आप बहुत ही छोटी बात मत समझिएगा कि आप इमोशंस को कंट्रोल कर लिया तो क्या बड़ी बात कर ली। नहीं, जो इंसान अपने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है वो बहुत ही बैलेंस्ड हो जाता है। और जो इंसान लाइफ में बैलेंस्ड है, आप उसको तोड़ नहीं सकते, उसे कोई रुला नहीं सकता, उसे कोई हरा नहीं सकता, उसे कोई तोड़ नहीं सकता। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन आपकी तस्वीर देखते हैं, आपको देखते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें आपके बारे में पता भी चलता होगा तो उन्हें यही लगता होगा कि आप इमोशनली कितने स्ट्रांग हो गए हैं, लाइफ में कितने प्रैक्टिकल हो गए हैं, कितने बैलेंस्ड हो गए हैं। हाई प्रिस्टेस से ये भी लग रहा है कि आप बहुत बैलेंस्ड हो गए हैं। आपके पर्सन देख पा रहे हैं कि आप पहले की तरह अब इतने इमोशनल नहीं हैं जितने आप पहले थे, तो वो देख रहे हैं कि आप इमोशनली बहुत बैलेंस हो गए हैं, ज़्यादा इमोशंस को वैल्यू नहीं दे रहे हैं, ज़्यादा अपने दिल की नहीं सुन रहे हैं, सिर्फ काफ़ी दिमाग से भी काम ले रहे हैं, दिल से भी काम ले रहे हैं, बैलेंस एनर्जी से काम ले रहे हैं। ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स मुझे ऐसा भी बता रहा है यहाँ पर व्यूअर्स कि आपके जो पर्सन हैं वो आपको स्टॉक भी बहुत कर रहे हैं, दे आर स्टॉकिंग यू। वो सोशल मीडिया पर आपको स्टॉक कर रहे हैं, लोगों से आपके बारे में जानकारी लेते रहते हैं। अगर आपके कॉमन फ्रेंड्स हैं तो आपके बारे में पता करते रहते हैं। अगर आप लोग ब्लॉक हो तो किसी और आईडी से, फेक आईडी से, किसी और के अकाउंट से वो ज़रूर आपके बारे में पता करने की कोशिश करते रहते हैं। यहाँ पर भी व्यूअर्स जब हर्मिट का कार्ड आया है तो इससे पता लग रहा है, मैंने क्या कहा था आपसे, मैंने जब मून का कार्ड आपको अभी दोबारा दिखाया तो मैंने आपसे ये कहा था कि वो जो भी इमोशंस और पेन फील कर रहे हैं वो अपने अपने तक रख रहे हैं, किसी को बता नहीं रहे। काफ़ी सीक्रेट और मिस्टीरियस है ये चीज़, ये जग जाहिर नहीं है ये बात कि वो कितने दुखी हैं और आपको कितना मिस करते हैं। काफ़ी सीक्रेट है ये बात, उनके मन में दबी हुई है। और यहीं पर हर्मिट का कार्ड भी आया है व्यूवर्स। हर्मिट का कार्ड बताता है कि आपके पर्सन अपने आप को कम्प्लीटली आइसोलेट कर चुके हैं, अकेला कर चुके हैं। उन्हें अब किसी में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, ना उन्हें घूमने फिरने में इंटरेस्ट आ रहा है, ना यारों की यारी में इंटरेस्ट आ रहा है, ना दोस्ती में, ना परिवार में, किसी चीज़ में उन्हें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। वो अपने आप को अकेला कर चुके हैं और अकेले होकर सिर्फ सोच रहे हैं, बस ध्यान से सोचते जा रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं और स्ट्रेस ले रहे हैं। बहुत यहाँ पर थिंकिंग की एनर्जी है। आपकी तस्वीर देखते हैं तो सोच में पड़ जाते हैं, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कि वो गहरी सोच में पड़ जाते हैं। जब भी आपकी तस्वीर देखते हैं उनको उनका दिमाग सोचने पर मजबूर कर देता है और वो आपके बारे में ना चाहते हुए भी सोचने लगते हैं। और क्या सोच रहे हैं व्यूवर्स, अगेन वही बात कि आप कितने बैलेंस हो गए हैं, आपने अपनी लाइफ को कितना बैलेंस कर लिया है। जैसे कि ये इमोशंस का बैलेंस प्रैक्टिकल हो और ये प्रैक्टिकलिटी का हो, आपने प्रैक्टिकल लाइफ और इमोशनल लाइफ दोनों को ऐसे बैलेंस कर लिया है। ओके, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस गाइस, आपने बैलेंस कर लिया है दोनों चीज़ों को। तो आपके पर्सन जब भी ये पिक्चर देखते हैं आपकी, उन्हें आपके अंदर कंप्लीट चेंज दिखाई देता है, एक बैलेंस्ड पर्सन दिखाई देता है जो अब इमोशनली वीक नहीं रहा है, काफ़ी स्ट्रांग बन गया है, अपने डिसीजंस खुद ले रहा है और रो बिल्कुल नहीं रहा है, स्ट्रांग हो गया है। यहाँ पर देखिए, इन दोनों कार्ड्स को देखकर ही मैंने आपको बताया था कि आप लोग काफ़ी बैलेंस्ड हो चुके हैं, आप लोग इमोशनली स्ट्रांग हो चुके हैं, आपके पर्सन ये चीज़ आप में देखते हैं। और ये दोनों कार्ड्स का जो नंबर है वो 2 है, ये देख लीजिए 2 एंड 2। तो गाइस, अब ये बैलेंसिंग की एनर्जी आपकी बहुत स्ट्रांग देख रहे हैं आपके पर्सन। उन्हें सच में ऐसा लग रहा है कि आपको अब फर्क पड़ना बंद हो चुका है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपनी लाइफ चेंज हो रही है तो आप ग्रो कर रहे हैं, आप खुश हैं। आपके पर्सन यहाँ पछता जरूर रहे हैं, दुख में जरूर हैं, लेकिन आपको देख के वो यही सोचते हैं कि यू आर हैप्पी इन योर लाइफ। ओके, तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स जिन्होंने पाइल 1 सिलेक्ट की थी। ठीक है, अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो मुझे बताइए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ। तो चलिए बंद करते हैं इनको। अब जिन्होंने जिनके जन्मदिन का जो महीना है वो जुलाई से लेकर दिसंबर तक आता है, जुलाई टू दिसंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में अगर आपका जन्मदिन है व्यूवर्स, तो ये आपकी रीडिंग शुरू हो रही है यहाँ पर।
कि जब आपके पर्सन आपकी तस्वीर देखते हैं तो उनके मन में क्या विचार आता है। ओके तीन कार्ड्स आ गए हैं गाइस, तीनों कार्ड्स मैं नहीं लूंगी। किंग ऑफ वैंस फर्स्ट कार्ड जो आया है वो किंग ऑफ वैंस का है व्यूअर्स। सेवन ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स का है दूसरा कार्ड जो है। टेन ऑफ वैंस, ओके अगला कार्ड जो है वो टेन ऑफ वैंस का है। चलिए क्लेरिफाई करते हैं इन सभी कार्ड्स को हम। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग, क्वीन, क्वीन, वेरी गुड गाइस। आपके पर्सन तो आपकी तस्वीर देखते हैं तो बहुत ही अच्छा सोचते हैं। टेन ऑफ कप्स, टेन इज क्लेरिफाइड बाय टेन, वेरी गुड व्यूअर्स। सिक्स ऑफ कप्स इज द एनर्जी ऑफ डेक। आपके पर्सन गाइस आपकी तस्वीर देखते हैं तो यहाँ तो काफी अच्छा दिख रहा है सब कुछ। यहाँ तो काफी, पहली बात तो बता दूं मैं कि यहाँ पर ये कपाइल जिन्होंने चूज करी है उनमें से वह लोग भी होंगे जिनका जन्मदिन का महीना अक्टूबर है। तो गाइज हो सकता है टेंथ टेंथ मंथ में आपका बर्थडे हो या आपके पर्सन का भी जन्मदिन हो सकता है, पर आपका जन्मदिन है यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन का भी 10वें महीने में जन्मदिन हो सकता है। या आपके पर्सन के आपके जो जन्मदिन की तारीख है वो 10 हो सकती है, या 10 हफ्तों से आप बात नहीं कर रहे हैं, 10 हफ्तों से आप मिले हैं, या आपको मिले हुए कुछ एक साल या एक महीना हुआ है, ऐसी मुझे एनर्जी यहाँ लग रही है। यहाँ 10 की एनर्जी बहुत है व्यूअर्स। 10 तारीख को क्या हुआ था अभी जो निकल के गई है इसको भी याद करें, और आने वाले 10 तारीख को कुछ मेजर हो सकता है इसका ध्यान रखें। ओके तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि आपके पर्सन जब भी आपकी तस्वीर देखते हैं क्या सोचते हैं। पहली बात तो व्यूअर्स मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप लोग अभी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ सिक्स ऑफ कप्स की ओवरऑल एनर्जी आई है तो मुझे लग रहा है कि आप लोग अभी बातें नहीं कर रहे हैं, आप लोगों में सेपरेशन है, क्योंकि मुझे ये रीसेंट पास्ट लग रहा है कि रीसेंट पास्ट में आप लोगों ने बात करना एक दूसरे से बंद कर दिया है और आप लोग सोलमेट्स हैं, आप लोग सोलमेट्स हैं ये लग रहा है यहाँ पर साफ साफ। ओके आप देखिए यहाँ पर जब आपके पर्सन आपकी तस्वीर देखते हैं व्यूअर्स, पहली बात तो ये देखिए टेन टेन से क्लैरिफाई हुआ है, आपको हो सकता है टेन टेन दिखता भी हो कई बार। ओके तो आपके पर्सन जब आपको आपकी तस्वीर देख रहे हैं तो वो अपने आप को इस तरह से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए व्यक्ति है ना, ये जैसे इन वैंड्स को कंट्रोल कर रहा है, ये इस व्यक्ति की फीलिंग्स हैं आपके लिए, ये अपनी फीलिंग्स को ज़बरदस्ती कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जब भी आपकी पिक्चर देखते हैं, तस्वीर देखते हैं, तो अपनी फीलिंग्स को ज़बरदस्ती कंट्रोल करते हैं, ज़बरदस्ती दबाते हैं। हमारा मन नहीं करता लेकिन अपने आप को ज़बरदस्ती रोक लेते हैं, तो ये ज़बरदस्ती अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करते हैं जब भी आपकी पिक्चर देखते हैं। ओके व्यूवर्स, ओके यहाँ पर आगे टेन ऑफ कप्स से क्लेरिफाई हुआ है ये, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि उनकी जो फीलिंग्स हैं जो वो कंट्रोल करते हैं आपको देखते हैं। जब देखिए मैं आपको समझाती हूँ बेहतर तरीके से, जब वो आपकी फीलिंग जो वो आपके लिए फील करते हैं, जितना प्यार, जितनी रिस्पेक्ट आपके लिए फील करते हैं, तब वो उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जब वो आपकी तस्वीर देखते हैं, क्योंकि वो फीलिंग्स किस बारे में हैं। आपके संग उनकी शादी हो सकती थी, आपके संग उन्होंने सपने देखे थे कि वो शादी करेंगे, बच्चे होंगे, एक खुशहाल परिवार होगा, उनकी बहुत प्यारी ज़िंदगी होगी आपके साथ, हैप्पी फैमिली, कंप्लीट फैमिली, कंप्लीट सेटिस्फैक्शन होगा लाइफ में, ऐसा उन्होंने आपके लिए सोचा था, ऐसी उनकी फीलिंग्स थी। और अब ये जो टेन ऑफ कप्स हैं ये इस तरीके से टेन ऑफ वैंड्स की तरीके से कंट्रोल किए जा रहे हैं, समझ गए आप व्यूवर्स।
तो जब वो आपकी तस्वीर देखते हैं तो उन्हें याद आ जाता है कि वो उन्हें तो आपसे शादी करने की इच्छा है, उन्हें तो आपसे परिवार बनाने की इच्छा है, उन्हें तो आपके संग कंप्लीटनेस और सेटिस्फैक्शन दिखता है, लेकिन अब वो सब कंट्रोल कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर ऐसा लग रहा है मुझे व्यूअर्स कि यहाँ पर किसी ने किसी को धोखा दिया है, यहाँ चीटिंग हुई है, यहाँ पर किसी ने थर्ड पार्टी को एंटरटेन किया है। जब भी आपके पर्सन आपकी तस्वीर देखते हैं उन्हें किया हुआ धोखा याद आ जाता है। अब व्यूअर्स ये चीटिंग आपकी तरफ से हुई हो, अब मैं ये नहीं कह रही कि चीटिंग का मतलब यही है कि आपने किसी और से जाके शादी कर ली, किसी और से रिश्ता कर लिया, ऐसा ही नहीं है। चीटिंग का कई बार मतलब ये भी होता है कि बहुत सारी बातें छुपा के रखना, सच ना बताना, कई सारी बातों पर झूठ बोल देना, कई सारी बातें छुपा लेना, सही समय पे बताना नहीं, ये सब भी चीटिंग में आता है। ओके, झूठ बोलना ये भी धोखे में आता है। तो आपके पर्सन ने व्यूवर्स आपको धोखा दिया है, किसी तरीके से झूठ बोला है, आपको मैनिपुलेट किया है एक कई कई समय पर, जिस बात की आपको भी बहुत निराशा है, आप भी बहुत डिसअपॉइंटेड हैं इस बात को लेके। लेकिन जब भी आपके पर्सन आपकी तस्वीर देखते हैं उनको वो किया हुआ धोखा, उनको वो की हुई मिस्टेक याद आती है, उनको वो अपनी की हुई गलती याद आती है। ये क्लैरिफाई क्वीन ऑफ सोर्ड्स से हो रहा है, तो साफ साफ दिख रहा है व्यूअर्स, साफ साफ क्लियर कार्ड्स आए हैं कि जैसे किसी व्यक्ति ने, देखिए कैसे व्यक्ति ना, ये चुपचाप ये जो तलवार सोर्ड्स हैं, जो तलवार हैं यहाँ पर रखे हुए हैं, ओके, और इनमें से उठा के चुपचाप से लेके जा रहा है और पीछे मुड़कर देख रहा है कि उसे कोई देख तो नहीं रहा। तो ये काम कौन करता है? ये जो काम करता है वो चोरी छुपे करता है, दुबक छुपक के करता है, यानी कोई देख ना ले, ठीक है, छुपा छुपा के। तो ये किससे छुपा रहे हैं? ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स से छुपा रहे हैं। ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स कौन है व्यूअर्स? ये आप लोग हैं, ये आपसे छुपा के ये काम कर रहे थे, ये जो भी काम था, आपसे झूठ बोल रहे थे, आपको मैनिपुलेट कर रहे थे, जो भी कर रहे थे इन्होंने किया। तो वो जब भी आपकी तस्वीर देख रहे हैं उन्हें अपनी गलती का रियलाइजेशन हो रहा है, उन्हें अपनी गलतियां याद आ रही हैं और वो आपसे छुपा रहे थे। क्यों? क्योंकि व्यूअर्स जब भी वो आपको देखते हैं उन्हें समझ में ये आता है कि उनसे क्या गलती हुई। आपने क्लैरिफिकेशन मांगा था व्यूअर्स, आपने कई कई बार कई चीज़ों के लिए डाउट किया है और सच जानने की कोशिश की है, सच सुनने के लिए उनसे कहा भी है कि मुझे क्लैरिफाई करो। आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज व्यूअर्स, आई एम सॉरी। तो आपने कई बार सच सुनने की कोशिश की है और सच मांगा है उनसे कि मुझे क्लैरिफाई करिए, ऐसा क्यों किया था, वैसा क्यों किया था, ये करने का क्या मतलब था, वो एक्शन लेने का क्या मतलब था, क्या आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं, क्या आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। आपने कई बार क्लैरिफिकेशन मांगा है, सच जानने की कोशिश की है, लेकिन आपके पर्सन ने आपको नहीं बताया। तो ये साफ साफ एक ऐसा इंसान दिख रहा है जिसको झूठ से नफरत है और सच सुनना पसंद है, चाहे कितना भी कड़वा क्यों ना हो, पर आपके पर्सन ने आपको झूठ बोला है किसी बारे में। तो यहाँ पर ऐसा ही है कि आपके पर्सन जब भी आपको देख रहे हैं उन्हें अपनी गलतियां याद आ रही हैं, ये याद आ रहा है कि किस तरीके से आपको सिर्फ सच सुनना पसंद है, आपको झूठ बोलकर थोड़े समय के लिए खुश करने का कोई फायदा नहीं, उन्हें ऐसा लगता है जब भी तस्वीर देखते हैं वो आपकी। आगे कार्ड गाइस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का है, तो गाइस जब भी वो आपकी तस्वीर देखते हैं उनको, मैंने कहा ना, डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है, उन्हें रिग्रेट हो रहा है। ये जो कार्ड है ये फर्स्ट रीडिंग में भी आया था, फर्स्ट पाइल की रीडिंग में, तो ये सेकंड पाइल की रीडिंग में भी आया है। गाइस आपके पर्सन अब ये बात रियलाइज कर रहे हैं या धीरे धीरे करना शुरू कर देंगे कि वो आपको खोकर कितनी वैल्यूएबल चीज़ खो चुके हैं। उन्हें आपको खोकर इस बात का कम्प्लीटली अनुभव हो रहा है कि वो कितना ज़्यादा अकेले हैं, उनको आपकी वैल्यू नहीं थी, समय रहते सही समय पर उन्होंने आपको सच नहीं बताया, सही समय रहते उन्होंने आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी, जितनी वैल्यू आप डिज़र्व करते थे उतनी नहीं दी। तो अब वो बस अपना सर पकड़ के बैठे हैं, आप ये समझ लीजिए रिग्रेट में हैं अब वो, आप ये जान लीजिए। आगे हमारे पास जो कार्ड आया है वो किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। वेट अ मिनट गाइस, आगे हमारे पास जो कार्ड आया है वो किंग ऑफ वैंस का कार्ड आया है, जिसको देखकर हमें पता लग रहा है कि आपके पर्सन जब भी आपकी तस्वीर देख रहे हैं ना व्यूअर्स, उन्हें आप और भी ज़्यादा ग्लोई, और भी ज़्यादा सुंदर, और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहे हैं। जैसे ही वो आपकी तस्वीर देखते हैं उन्हें लगता है कि आप पहले से भी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गए हैं। हो सकता है व्यूअर्स आपने अपने लुक्स में कुछ चेंजेस किए हों, अपीयरेंसेस में, अपने अपीयरेंस में, अपने बालों में, अपने कपड़ों में, किसी तरीके के अपने आप कुछ एक्सरसाइज करी हो, कोई वेट लूज या गेन किया हो, आपके अंदर आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हैं पहले से, और कई ज़्यादा अट्रैक्टिव और गुड लुकिंग हो गए हैं। तो वो आपको व्यूअर्स देख के ना ये समझ पा रहे हैं कि एक आप कितनी कितनी बढ़िया पर्सनैलिटी हैं जो सच सुनना पसंद करते हैं, एक फैमिली फिगर हैं जिनके साथ घर बसाया जा सकता है, जो दिखने में इतने अट्रैक्टिव हैं और
ऐसे इंसान को वो खो चुके हैं तो रिग्रेट तो होगा ही, निराशा तो होगी ही। ओके व्यूवर्स, तो जब वो आपकी तस्वीर देखते हैं तो आपके पर्सन ये सब सोच रहे हैं। ओके, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कितने परसेंट मैच हुई है, ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके मेरे लिए कोई सवाल है या मेरे लिए कोई प्रश्न है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं सारे कमेंट्स पढ़ रही हूँ। और वीडियो को लाइक करके जाना व्यूवर्स बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं जब भी डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आऊँगी आप उन्हें मिस नहीं कर सकेंगे, क्योंकि मैं रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेज चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती रहती हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि आप उन्हें मिस करें, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके व्यूअर्स, तब तक के लिए बाय बाय।